सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। दरअसल इस फेसबुक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अभिनेता मनोज बाजपेयी के भाई सुजीत बाजपेयी को बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हम आपको वीडियो के अंत तक में बताने वाले हैं। हालांकि इस फेसबुक पोस्ट को काफ़ी कम लोगों ने देखा है। अब दावा क्या किया जा रहा है ये भी सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परीक्षा पास किए बिना ही खास लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया जा रहा है। वायरल पोस्ट में लिखा है, एक्टर मनोज बाजपेयी के भाई सुजीत बाजपेयी बिना सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किए सीधे भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। वो अब नीतिगत फैसला करेंगे, जबकि उन्हें सरकार में काम करने का कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है। बाकी 8 लोगों को भी बिना परीक्षा पास किए नौकरशाही में लाया गया है। आप करते रहिए यूपीएससी और एफएससी की तैयारी। वायरल पोस्ट में सुजीत बाजपेयी के नाम समेत 9 लोगों के और भी नाम हैं, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें भी बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अब जानिए सच क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेटरल एंट्री के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने वालों की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भी वही 9 नाम हैं जिनका जिक्र फेसबुक पोस्ट में किया गया था। 5वें नंबर पर सुजीत बाजपेयी का नाम है, लेकिन चिट्ठी में लेटरल एंट्री का जिक्र है। भारत सरकार में इससे पहले भी लेटरल एंट्री की जाती रही है। लेटरल एंट्री का मतलब है कि वह शख्स जो आईएएफ नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र का वह व्यक्ति अपनी फील्ड में विशेषज्ञ है और सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों को पूरा करता है, तो उसे भारत सरकार में सचिव संयुक्त, सचिव विशेष, सचिव आदि के पद के लिए तैनात किया जा सकता है। सुजीत कुमार बाजपेयी ने साल 2018 में सरकार द्वारा निकाली गई नियुक्तियों के आधार पर आवेदन किया था। इस आवेदन के दौरान सरकार ने उन्हें अपने मानकों के आधार पर खरा पाया। हमारे पास 18 सितंबर 2019 की तारीख का सुजीत बाजपेयी का नियुक्ति पत्र भी है, जिसमें लिखा है, लेटरल एंट्री के जरिए 3 साल के लिए उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। सुजीत कुमार बाजपेयी ने एनएचपीसी में 18 साल तक अलग अलग पदों पर काम किया है। सुजीत बाजपेयी को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव नियुक्त किया जा रहा है। इससे पहले भारत सरकार ने मोंटेक फी अहुवालिया को लेटरल के आधार पर एंट्री दी थी, जिसके तहत साल 1990 में उन्हें कॉमर्स सचिव के पद के लिए तैनात किया गया था। बाद में उन्हें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भी बतौर सचिव तैनात किया गया। जानकारी में पता चला है कि सुजीत बाजपेयी अभिनेता मनोज बाजपेयी के भाई हैं। ये दावा सच्चा है। सुजीत बाजपेयी भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, ये भी दावा सच्चा है। लेकिन सुजीत बाजपेयी की नियुक्ति तय मानकों के आधार पर नहीं हुई है, ये दावा झूठा है। ये वीडियो यहीं तक। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड रेट्रो। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगा, आप मुझे वहां डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।